everyone, this is me, your host Hina Niazi, and I have with me. मैं हूँ चौधरी इरफान जहीर. कैसे हैं इरफान साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा ख्याल है कि सब बहुत एक्साइटेड है और एशिया कप के सुपर फोर मरला का आगाज होने जा रहा है, हो चुका है रादर. और दूसरा मैच कल खेला जाएगा बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान. लेकिन इतवार को जो मैच होने वाला है ना भाई, सबका उसको इंतजार है. पाक भारत टकरा होने जा रहा है और शायकी ने क्रिकेट की अगर बात की जाए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. और फिर कहीं ना कहीं जो है ना बारिश की प्रिडिक्शन से बहुत सारे लोग इसी प्रॉब्लम ने सारे मेरा ख्याल जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं इनकी खुशियों को इनके अरमानों को कहीं ना कहीं रोका हुआ है. और वो ये सोच रहे हैं कि उस दिन ना पानी फिर जाए, लेकिन हम दुआ करते हैं कि पानी की बजाय चौके एंड छक्कों की बारिश हो ग्राउंड में. और इसी के साथ हमारा जो सेट है वो भी बड़ा पुरौनक है. और जो क्रिकेट मस्तियां हैं ये मेरा ख्याल है आप लोगों की मोहब्बतों की एक वजह से हम इसको कोशिश कर रहे हैं बेहतरीन से बेहतरीन बनाए. उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हमारे साथ शो में मौजूद है पाकिस्तान की जान, हम सब की शान, दिलों के राजा रमीज हसन राजा. ये गलत कह रहे हैं वो, ये अभी जो आप बाद में कराएंगे ना जिनका इंट्रोड्यूस उनकी वजह से है ये. और उनके साथ है जी हमारे बड़े दिल अजीज हरदिल अजीज, और मेरे ख्याल है खेलों पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं. थोड़े से इमोशनल है. महमूद रियाज साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. महमूद साहब के बारे में एक बात बताना चाहूंगी, सारी जुत्ते सारा बदला इन्होंने ऑफ कैमरा आज मुझसे ले लिया. मैंने भी कहा दो दो हाथ हो जाए महमूद साहब, अब मैदान आपके हाथ में. अब मैदान आपके हाथ में. मैं समझ गया कहने लगी हैं ये, एक बात मैंने इनकी बतानी है 6 फुट 4 इंच के हैं. वो तो है. अच्छा जब कैमरा ऑन होता है फिर कुछ उनका स्विच ऑफ हो जाता है, वैसे ऑन रहता है, ये भी मसला है. नहीं, और इनके अलावा हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं. आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है कामरान खान साहब ने. अस्सलाम वालेकुम. जी हाँ, दिन भर की अहम तरीन खबरों तबसरों और क्रिकेट पर तजियों के साथ, चूंकि आज नहीं था, मैं हूँ कामरान खान. बहुत बहुत शुक्रिया हिना. आज बात होगी क्रिकेट की और तबसरा होगा क्रिकेट का, और इतवार को जो है पाकिस्तान और इंडिया का मैच है. और अच्छा वैसे लगता है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है. लगता है आपके स्पीकर की तार टूट गई है. कभी भी इतना मैं नहीं हंसा जिंदगी में, पहली बार मैं हंस रहा हूँ. बहुत शुक्रिया रमीज राजा साहब, आप मुझे हंसा रहे हैं. मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का, और इंशाल्लाह आप देखिएगा, ये कौम देखेगी कि पाकिस्तान एक पार करेगा. कामरान खान साहब माजद के साथ अब अपने शो में नहीं है, आप क्रिकेट मस्तियां में है. आपने तो पूरा इंट्रो देना शुरू कर दिया था. हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि संडे को मैच है, और हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी पाकिस्तान की सेलिब्रिटी सुपरस्टार मीरा जी. कैसी है मीरा जी? थैंक यू हीरा, वेरी वेरी मच थैंक यू. सबसे पहले तो मैं उस चुलबुले टीवी वाले को बता दूं जिसने कल परसों मुझे धक्के दे के अपने स्टूडियो से निकाल दिया. और दूसरी बात मैं बता दूं कि रमीज मेरा फैन हो गया. इसकी कॉल पर स्पेशली मुझे यहाँ पर आना पड़ा. बहुत मेहरबानी. धक्कों का रमीज भाई इधर आ जाएं. नहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज्यादा देर चल रहा. और अगर धक्कों वाली बात चुलबुले टीवी तुम सुन रहे हो, तुम्हें पता ही ना मेरे साथ कल परसों क्या हुआ. क्या हुआ? मुझे बुलाया गया एक प्रोजेक्ट के लिए. अच्छा. और कहा गया कि पहले मंथ हम आपको सैलरी देंगे 20,000. ओहो अच्छा. और अगले महीने से आपका इंक्रीमेंट लगा देंगे 1,00,000 का. 1,00,000 का इंक्रीमेंट. 1,00,000 का. अरे वाह वाह. मैंने उनसे कहा तो मैं अगले महीने से ही आ जाऊंगा. तो उन्होंने मुझे धक्के दे के निकाल दिया. दैट इज बैड. ये एथिकली जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं है. दिस इज अ वेरी डर्टी मूव. आपके साथ जो ज्यादती हुई, आपने क्या कोर्ट में कोई एप्लीकेशन, कोई अपील, कोई रिट, कोई ऐसी चीज कायम की, दायर की के नहीं? अगर नहीं की तो मेरा एक बहुत अच्छा वकील है जानने वाला है आजकल, कहे तो मैं उससे बात करूँ. हाँ थैंक यू कामिंग. कामी ओ माय गॉड, जिंदगी में किसी भी प्यार से मुझे कामी नहीं कहा. बहुत शुक्रिया. थोड़ा सा मैच की बात कर लेते हैं रवि भाई. बड़ा मैच है, अब हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली बांग्लादेश के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये रखता है कि पहला मैच पाकिस्तान से वो हार चुके हैं और बड़े मार्जिन से हार चुके हैं. अब उन्होंने ना सिर्फ मैच जीतना है बट बड़े मार्जिन से भी जीतने की कोशिश करनी है ताकि रन रेट को बेहतर करें, क्योंकि बारिशों का भी सिलसिला हो सकता है,
ओवर्स कम करके डकफर लुविस मेथड भी अप्लाई हो सकता, तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में होगी। तो कैसे देखते हैं उनकी प्रिपरेशन की और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर तो क्लाउड कवर है तो उनका एडवांटेज होगा, क्योंकि पेस अटैक बहुत अच्छा है बांग्लादेश का, उनके पास पेस है। और यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी गद्दाफी स्टेडियम की पिच पे, तस्कीन ने आउट स्विंग किया था, शोरफुल लेफ्ट आर्म का एंगल है और 140 क्लिक्स पे बॉल करते हैं, सो इनको एडवांटेज होगा। अब देखना ये है कि स्ट्रैटेजी जो आप मुझसे पूछ रहे हैं वो ये है कि अगर बारिश होती है तो अगर जिसको कहते हैं ट्रंकेटेड मैच, एब्रिविएटेड मैच, इसमें जो है आपको क्या खिलाना है, कौन सी प्लेइंग 11 होगी। और प्लेइंग 11 में ये है कि आपको रन चेज अगर करना पड़ जाएगा तो फिर बैटिंग के बलबूते पे करेंगे। सो फिर अगर 25 ओवर का मैच होता है तो फिर आपकी सिलेक्शन भी उसी हिसाब से होनी है, तो वो तो उस वक्त पता चलेगा, बट आई थिंक स्ट्रैटेजी बनेगी प्लेइंग 11 की अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन। और शांटो के अलावा कोई आपको लगता है कि ऐसा कोई प्लेयर इनको इंडक्ट करना चाहिए, या आपको लगता है मोस्ट लाइकली बाकी यही टीम खेलेगी इनकी? मुझे लगता है ये बेंच पे तो इतने खास कोई और टैलेंट ऐसा है नहीं कि जिसको आजमाया जा सकता है, बट मैं समझता हूँ कि जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं उनको आई थिंक अब काम करना है, जैसे शाकिब है और मशफीक है, तो क्योंकि ये मिडल ऑर्डर में जब खेलते हैं, जहाँ पे खेलते हो 50 ओवर्स में तो ठीक है, अगर ये छोटा मैच होता है, कम ओवर्स का होता है, तो इनको ऊपर जाना चाहिए और जाके अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए। खासतौर पर शाकिब तो एक फ्लोटर के तौर पर 50 ओवर्स में भी खेल सकते हैं, वो जब पीछे जाते हैं, देखे ना जब 4 विकेटें गिरी होती हैं आप पे प्रेशर होता है कि आप आउट ना हो जाए, तो उस प्रेशर में और वो दब जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी में मानता हूँ है, मगर अगर ये ऊपर जाके नंबर 3 पे खेलेंगे तो ये मैदान मार सकते हैं, क्योंकि इनके पास शॉट्स हैं, बड़ी हिट्स लगाते हैं। आपको याद होगा वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट इन्होंने रन्स किए। और महमूद साहब की तरफ आएंगे, महमूद साहब के पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग अदादोशुमार है एशिया कप के हवाले से, तो प्लीज वो बताइए। वो बस आज ऐसे ही इकट्ठे कर रहे थे, इसमें वो अपने नाज़रीन को बताएंगे जो लोएस्ट टोटल है वो बांग्लादेश पहले दूसरे नंबर पर अगेंस्ट पाकिस्तान। एक तो जो उनका सबसे लोएस्ट है वो 87 रन है जो उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान, उसके बाद फिर 94 पे भी बांग्लादेश है, तीसरा जो है वो श्रीलंका है 96, ये अगेंस्ट जो है वो इंडिया है। अच्छा, पाकिस्तान का जो लोएस्ट है वो 122 है। अब उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो सिफर पे, जो एक बैट्समैन के लिए बड़ा वो होता है, तो उसमें 3 खिलाड़ी हैं जो 3-3 दफ़ा सिफर पे आउट हुए हैं, और उसमें से बांग्लादेश के जो हैं वो रबल हुसैन है और एक पाकिस्तान के सलमान बट है, वो भी 3 दफ़ा सिफर पे, और उसके बाद अमीनुल इस्लाम जो हैं वो 3 दफ़ा आउट हुए हैं, और श्रीलंका के महिला जयवर्धने 3 दफ़ा आउट हुए हैं। अच्छा, फिर सबसे सेंचुरीज का जो है वो अभी तक जय सूर्या 6 और कुमार संगकारा 12-50। अच्छा रमेश भाई, हम जय सूर्या को जो देखते थे एशिया कप होते, आप तो खेले उनके साथ, कुमार संगकारा बहुत ही फ्लॉलेस और बड़ी स्टाइलिश बैटिंग होती थी, मतलब उस जमाने में इधर से शाहिद भी खेल रहा होता था, दीगर हमारे ऑलराउंडर खेल रहे होते थे, लेकिन जय सूर्या को हमने देखा है कि बगैर चांस दिए इतनी खूबसूरत इनिंग डेवलप करता था। तो अगर आप जय सूर्या के ऊपर कुछ उनके सनत, जय सूर्या जो है ना वो मैच विनर है, और मैं पहले भी तस्करा किया था जो उन्होंने फास्टेस्ट 100 किया था वो मैच में खेल रहा था, और वो ऐसे लग रहा था कि 20 ओवर्स के बाद के मतलब है कैदे मुशक्कत है और हम बॉल जा के सिंगापुर में नदी नालों से वापस लेके आ रहे हैं। इतना मारा है कि मतलब निढाल कर दिया, और हमारा अच्छा खासा बॉलिंग बिल्कुल है। अच्छा, उसमें दोनों चीजों में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट दिया है, जब जयसूर्या ने बनाया तो आप अगेंस्ट खेल रहे थे, जब शायद अफरीदी ने बनाया तो आप साथ खेल रहे थे। एक बड़ा और दिलचस्प हमारे पास ये है, वो भी जो हाईएस्ट पार्टनरशिप है टॉप 3 वो तीनों पाकिस्तान के पास है, उनमें से हफीज और नासिर जमशेद ने 224 रन की इनिंग्स खेली अगेंस्ट भारत में, और उसके बाद यूनुस खान और शुएब मलिक ने 223 की खेली वो हांगकांग के खिलाफ, और उसके बाद तीसरी जो है वो इफ्तिखार अहमद चाचा और भतीजा बाबर आजम अभी हालिया नेपाल 212। जब ये शाहिद अफरीदी ने फास्टेस्ट 100 किया ना नैरोबी में, सो उस जब वो आउट हो गया तो मैं नेक्स्ट मैन जा रहा था। अच्छा, तो मैंने उसे जाते हुए कहा, मैंने कहा चाहे मैं 10 बॉलों में अब 60 भी कर दूं तो मैं फिर भी विलन होऊंगा, कोई चांस ही नहीं है। तो ये वो बड़ी ग्रेट इनिंग्स। अच्छा, वैसे उस टाइम आप कैप्टन भी थे, तो क्या अप्रोच थी कि शायद कोई चांस लेना था? ऑब्वियसली नहीं, सईद अनवर कप्तान थे। ये अंडर 19 का कोई टूर्नामेंट से इनको बुलाया गया तो ये फिर आके और ये एज अ लेग स्पिनर आए थे, तो फिर एक दो नेट सेशन जब किए तो इन्होंने गेंद वेंद घुमा दिया, वो साथ ही था नैरोबी स्टेडियम के साथ ही, तो फिर इनको इस्तेमाल किया गया उस वक्त एज अ पिंच हिटर, तो मेरे ख्याल में नंबर 3 पे गए थे, आए थे बिल्कुल। अच्छा, उस हवाले से मैं थोड़ी सी बात बताऊं, मीडिया टीवी शीवी पे वो मैच नहीं आ रहा था,
अब जब शाहिद आफरीदी ने ये रिकॉर्ड बनाया तो हम कराची में, तो उस जमाने में वीडियो कैसेट्स आते थे, तो कराची में एक ही आदमी था जो हर खेल की वीडियो कैसेट बनाता था, तो मुझसे इतना शौक था, बेंसन एंड हेजिस का ये सब लेकर आते थे, तो उसके पास इतना रश बढ़ गया था वो इस इनिंग के लिए, और वो तकरीबन हफ्ते बाद उसने मंगवाया। कामरान साहब, आप भी कराची से हैं, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपके प्रोग्राम में बात हो रही है वो मेरे शौक से कदरे हट के है, कदरे मुख्तलिफ है। क्रिकेट की अगर बात की जाए तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन फिर भी एक बात कहूंगा कि मैं आपको जानता हूँ। बड़ी बात है, पूरी दुनिया जानती है, कौन नहीं जानता रमीज हसन राजा को। तो मैं दुनिया में ही रहता हूँ, कौन समय पास में रहता हूँ। अच्छा, वैसे आपकी अगर तज्जियों की बात की जाए, बहुत बेहतरीन होते हैं और मुल्की गैर मुल्की सियासत पर आपकी बड़ी गहरी नजर होती है, तो क्या क्रिकेट पर भी इस तरह की नजर होती है आपकी? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन नजर मेरी सियासत पे ही इसीलिए है कि क्रिकेट पे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, और आप उन लोगों को देखिए जिनकी क्रिकेट पर गहरी नजर थी और उनकी जो है वो सियासत का हाल क्या हुआ है। तो फिर आप अगर काम जो जो आपका इंटरेस्ट हो आप उसके मुखालिफ चलेंगे तो आप ही खाएंगे। अच्छा, वैसे मीरा जी से भी हम पूछना चाहेंगे, श्रीलंका में बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्म्स की शूटिंग वगैरह होती रही है, तो आप कभी श्रीलंका गई हैं वैसे? ऑफ कोर्स, कई बार, कई बार गोल्फ कोर्स में गई थी। और हिना, मैं तुम्हें बताऊं कि जब मैं श्रीलंका गई थी तभी ये मुहावरा बना था कि घर का भेदी श्रीलंका जाए। लेकिन लेकिन मैं तुम्हें लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं हिना, मैं USA भी गई हूँ, UK कनाडा भी गई हूँ, और कैलिफोर्निया, मैं पूरी दुनिया ऑलमोस्ट घूमी हूँ, लेकिन बाबर को भी मैंने देखा है, पूरी दुनिया घूमते बाबर। हाँ जी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक लेसन जो मैंने पूरी दुनिया घूम के सीखा, देखो एक मिसाल देती हूँ पेन की। जी। पेन अगर तुम्हारा खो जाए, हाँ जी, तो वो तुम्हें दोबारा मिल जाएगा। ओके। लेकिन अगर पेन का ढक्कन खो जाए जी, वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तो उसका हल ये है कि ये कामी दिखाना। ओह माय गॉड, टिचुक टिचुक वाला पेन ले लो, मेरे पेन वाला मत, मेरे मेरे कलम को हमला किया है बगैर पूछे, मेरे कलम को छुआ है, छुआ मेरे कलम को, आगे शेर आ रहा है, सुना है वो बात करती है तो फूल झड़ते हैं, सुना है वो बात करती है तो फूल जड़ते हैं, क्या अब भी लौंडे आपकी वजह से गली में लड़ते हैं? हाँ। अच्छा मीरा जी, आपने कलम की बात की तो आपको एक और चीज भी बताती चलूं कि श्रीलंका का लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, वहाँ पे लोगों की जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी है। कह तो रही है, जाती रहती है ना वहाँ पे। देखो देखो, देखो हिना, मैं तुम्हें बताती हूँ इस आदमी के बारे में, कल जो तुम्हारी गेस्ट आई थी वो सही कह रही थी कि इसकी टांगे कांप रही हैं, अब भी मैं देख रही हूँ। यार भाई ले आओ कैमरा, दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए। लेकिन अरे आप झूठ क्यों बोल रही है, उनकी तो लकड़ी की टांगे हैं। लेकिन जहां तक लिटरेसी रेट की बात है तो मैं उनके लिटरेसी रेट को नहीं मानती, यू नो व्हाई? व्हाई? क्योंकि मैंने उनकी तमाम खवातीन से हफीज एक सवाल किया, उनके पास उनका जवाब नहीं था। अच्छा, मैंने उन सबसे पूछा, एक एक DDS की मैंने एक्टिविटी की वहाँ, डोर टू डोर सर्वे, सब खवातीन के घर गई और मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, क्या बिलो बगे बिल्यादा की करेंगी, बगे बगे बिल्यादा की करेंगी, किसी के पास कोई जवाब नहीं। अच्छा, अगर अगर किसी क्रिकेटर पे मूवी बनती है और आपको हीरोइन कास्ट किया जाता है तो किस क्रिकेटर के साथ आप समझेगी कि मैं रोल करना चाहूंगी, कोई क्रिकेटर आपका ऐसा आइकॉनिक प्लेयर हो? देखो मेरी बात सुनो, जिस क्रिकेटर ने आज मुझे यहाँ बुलाया है कौन है वो? मैं, वो कौन है? उसने कहा कि तुम्हारे वजह से मेरे शो की रेटिंग बहुत, लोग मुझे भी देखना छोड़ गए। तो लेकिन उसने कहा था कि मोहब्बत जितनी देर तक छुपी रहे तभी तक मोहब्बत रहे। अच्छा, वैसे आपकी मोहब्बत की, नो ऑफेंस, लेकिन आपकी मोहब्बत के किस्से, कहानियां, दास्तानें हम सुनते ही रहते हैं, देखो तो एक जगह दिल लगा लें आप। देखो कहते हैं कि इंसान बार बार अपनी गलतियों से सीखता है, जी, तो इसीलिए मैं बार बार गलतियां करते रहना चाहती हूँ ताकि मैं लर्निंग में ही रहूँ।
लर्निंग में जी जी। कमरान साहब से भी पूछ लेते हैं, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? काफी कैप्टन को भी आपने खेलते हुए देखा, तो फेवरेट वन कौन है आपका? मैं अपना फेवरेट खुद हूँ। अच्छा, जैसे नहीं, ये तो करीना का डायलॉग था कि मैं अपनी मैं, क्या मैं करीना से कम हूँ? इस मुल्क में बहुत बड़ा नाम है मेरा। जी जी, आपका बहुत बड़ा नाम है। वैसे हामिद मीसा भी क्रिकेट खेला करते थे, तो क्या उस दौर में आपने कभी कोशिश की उनके साथ क्रिकेट खेलने की? देखिए, हामिद मीर जिस जमाने में क्रिकेट खेल रहे थे, उस वक्त भी मैं इस्लामाबाद की संगलाख चट्टानों में कमरे ढूंढ रहा था, और मेरा दो तीन दफा चूहों से फटना भी हुआ था कि अच्छा। क्या बूठा के आ जाता है। बहरहाल, किंग खान बनना इतना आसान नहीं, खबरें ढूंढना, उनको तराशना। 25,000 से ज्यादा मेरी फील्ड रिपोर्टिंग है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। जी भाई, जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन इसलिए सारे उस्ताद भी कहते हैं ना, इनको उस्ताद का दर्जा दिया जाता है। उस्ताद का दर्जा दिया जाता है। और हम महंगाई के बारे में इतना भी नहीं है कि मैंने वेल्डिंग नहीं सिखाई किसी को। ठीक है, अगर वो इज्जत करते हैं तो मेरे सर आंखों पे। लेकिन पाकिस्तान की मईशत इंशाल्लाह सही जगह पे रवा दवा है, सही जगह पे। लेकिन कामरान खान साहब, आपका इतना तजर्बा है, आप क्या समझते हैं महंगाई आने वाले दिनों में कोई कम हो जाएगी? जी नहीं। आपने तो किस्सा ही खत्म कर दिया। सिंपल तंजिया हुई नहीं सकता। कोई इंसान थोड़ा सा ना तसल्ली देता है, हौसला ही दे देता है। देखिए, मैं आपसे 100 चीजों की बातें करूं, इधर की मिसाल दू, उधर की मिसाल दू, कौमों की मिसाल दू, बात को इधर से उधर घुमाऊ, लेकिन सारी चीज घुमाने के बाद निचोड़े की निकल रहा है कि नहीं। आप माशाल्लाह से, आपकी सैलरी भी मिलियंस में है, इतने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है आपके पास, माशाल्लाह। जब आप जाओगी तो अपने पैरों की मट्टी मुझे देकर जाना, मेरे चूल्हे नहीं है, सुना है, नजर नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने आप को नजर से बचवाने के लिए हर महीने काली सिरिया मुर्गियों के सदके दे दे के आधी सैलरी तो उसी में गवा देता हूँ, तभी तो नजर से बच जाता हूँ। हफीज, मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी। मेरा नाम हफीज नहीं, कामरान है। वो हफीज बैठे हुए। हफीज, मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ग्लासेस लगाए और मैं तुम्हें देख नहीं पा रही, तुम चोरी चोरी मुझे देखना बंद करो। जैसे मैं इधर से देख रहा हूँ, आप भी तिरछी आंखों से देख इधर ही रही हैं, चश्मा लगा के। अब मेरी नजर पड़ी, आप वही तो नहीं जो समंदर के पास जाते हो, दफा 144 लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये शख्स एक ही सांस में पूरा समंदर सूख जाता है। मेरे लिए बड़ा एजाज है, मेरे लिए बड़ा एजाज। लेकिन फिर वो मछलियां कहाँ जाती हैं? पेट में, आपकी छोटी सी टमी में। नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए क्रिकेट मस्तियां। वेलकम बैक इन क्रिकेट मस्तियां। रमीज भाई, क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कैप्टनसी का है। हमने जितनी भी परफॉर्मेंसेस बड़ी देखी हैं, उसमें एक चीज़ कंसिस्टेंट आई कि जब आपका जो कैप्टन है उसको लंबा रन दिया जाता है तो टीम बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करती है। उसकी प्राइम एग्जांपल अगर हम देखें तो रिसेंट पास में दो नज़र आती हैं, एक रिकी पॉन्टिंग की, दूसरी MS धोनी की। कि जब कंट्रीज़ ने इन पर परसिस्टेंट तौर पर रिलाई किया, इनको अपॉर्चुनिटी दी, तो बड़ी ठीक ठाक किस्म की सक्सेस मिली। अब अगर पाकिस्तान के इन कंपैरिजन देखें तो सबसे टफ टाइम जो था हमारी टीम के ऊपर वो 2007-08 से लेके, या 2009 के बाद जब से वो इंसिडेंट हुआ सलमान भट्ट वगैरह का, उसके बाद तो एक बहुत टर्बुलेंस आई टीम के अंदर, प्रॉब्लम आए, और अप्रोक्सीमेटली कोई 7-8 कैप्टन चेंज हुए, जिसमें हमारे पास अफरीदी भी आए, फिर मलिक भी थे, यूनस खान भी आए, मोहम्मद यूसुफ भी आए, तो ये फिर एंड में एवेंचुअली हम मिसबाह हक पे हमें स्टिक करना पड़ा। इस सारे सिनेरियो के अंदर हमारी जो गेम सेंस थी, जो अप्रोच थी, जो इनोवेशन लेके आते थे हम, वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन होगी। बाद में जब परसिस्टेंट हुए, सरफराज के साथ 3-3.5 साल अच्छे रिजल्ट आए, और अभी बाबर के साथ, अब समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमें लंबा रन देना पड़ेगा, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये कैप्टनसी को जब तक नहीं देंगे हम लंबा रन, ये सक्सेस नहीं आप हासिल कर सकते। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस है कि जो कप्तान है ना, उसकी शेल्फ लाइफ ना 3 साल है। ठीक है, 3 साल में होता क्या है कि आपकी जो, अगर प्लेयर्स अच्छे हैं आपके पास, वो 3 साल तक पीक करते रहते हैं। ठीक। और अपनी बेस्ट फॉर्म में होते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा काम नीचे चला जाता है, यू नो, कोई फॉरएवर तो ग्रीन नहीं होता जी। और फिर आप में कोई नयापन भी ड्रेसिंग रूम में, फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग पेप टॉक, वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप को, यू स्टार्ट रिपीटिंग योरसेल्फ। ओके, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि रन ज़रूर देना चाहिए, मगर उसके और रिजल्ट्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं आपको बताऊं फ्रॉम अ प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, 3-3.5 साल इज जस्ट अबाउट द राइट टाइम के कप्तान की शेल्फ लाइफ होती है। उसके बाद
फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हमने इसको आगे लेके जाना है और उसकी वजूहत क्या है इसको आगे लेके जाना है। हमारे यहाँ ये होता है कि इसकी रिस्पेक्ट नहीं है लीडरशिप की जैसे होनी चाहिए। दूसरा ये हमारा सिस्टम लीडर्स थ्रो नहीं करता, फर्स्ट क्लास सिस्टम। जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स हैं वो लीडरशिप भी थ्रो करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें मार पड़ती है, फिर हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं हमारे यहाँ मतलब है कि फ्यूचर लीडर। तीसरा चापलूसी, सीनियर को खाम खास से हम इतना इज्जत और चढ़ा देते हैं कि एक खौफ बैठ जाता है ड्रेसिंग रूम में ऊंची बात करने का, ऐसे ही खुली बात करने का। ये हमारा कल्चर नहीं है। जब तक कि हम फर्स्ट क्लास लेवल पे ये कल्चर नहीं अपनाएंगे जी। दो जो हमने इंग्लिश कोचेस काउंटी के लगाए थे उनकी जो मुझे रिपोर्ट आई थी वो यही थी, कहते कि हमने किसी सिस्टम में प्लेयर्स को सीनियर से इतना डरते हुए आज तक नहीं देखा। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, इसलिए प्रॉब्लम है कि आप मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं कैसा लीडर हूँ, ये नहीं कि मैं क्योंकि 10 साल खेला हूँ तो मैं आपको बुली कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक, ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा अभी अच्छाई की गुंजाइश है। अच्छा, इसमें दूसरी मैं एक चीज़ सॉरी ऐड करना चाहूँगा, अगर कैप्टन जैसे हमने विराट कोहली के देखा, बड़ा सक्सेसफुल कैप्टन था, सीरीज बहुत जीती, टेस्ट में नंबर वन रहे, बट टाइटल नहीं कुछ जिता पाया, यही रीज़न बनी कि उनकी कैप्टनसी चली गई। बाबर के भी अभी बेल्ट पे देखें, अंडर द बेल्ट यही चीज़ें हैं कि सीरीज जीत जाते हैं, रैंकिंग में नंबर भी, कोई बड़ा इवेंट नहीं जीत पाए। तो किसी तरह इवेंट को जीतना ये भी इंडोर्स करता है कि ये बेहतरीन कैप्टन है। देखिए रिजल्ट्स जो है ना वो आपको बता देते हैं कि किस पाए के आप लीडर हैं या टीम है, और उसके लिए एक और मेंटेलिटी चाहिए होती है। जो जो टाइटल जीतना है ना उसके लिए एक और मेंटेलिटी चाहिए, और इसलिए कि उसमें एक सेल्फलेस मेंटेलिटी है। फॉर एग्जांपल हमने जब नेहरू कप जीता इंडिया में, या वर्ल्ड कप जीता 92 में, या इंडिया को इंडिया में शिकस्त दी, या जावेद मियांदाद ने जो लास्ट बॉल छक्के के बाद जो हम ऑस्ट्रेलेशिया कप जीते, तो वो जो मोमेंट्स है ना वो आई थिंक, और जो जो ग्रेट टीम होती है प्रेजेंट की वो अपनी हिस्ट्री से सीखते हैं। बिल्कुल ठीक, और अपनी हिस्ट्री से सीखने वाले ये पॉइंट्स हैं, ये जो है ना ये जो मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस हैं इनको हमेशा याद करो। और वो क्या था, सेल्फलेस थे। मुझे आज तक ये टारगेट नहीं दिया गया था या मैंने अपनाया कि जी मैंने 100 रन करने, मुझे टारगेट जो दिया गया था अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको मैंने फुलफिल करना। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब तक कि आपके पास इस तरह की क्लैरिटी नहीं होगी और इस तरह की सेल्फलेस एक अप्रोच नहीं होगी, टाइटल्स जो है ना वो दूर आपसे हो जाते हैं। अच्छा रमेश भाई, इसमें अगर हम देखें कि पाकिस्तान टीम जो खेलती है इसमें वाइस कैप्टन का रोल जो है, आप जो होता है किसी भी जगह पे वाइस कैप्टन आप उसको तैयार करते हैं, वो हमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा दूसरा ये कि आप जिस एज में खेल रहे थे ये आपसे पहले जो टीम थी वो अगर हम देखें तो मोर लेस सारे एक ही एक्सपीरियंस, एक ही एज ग्रुप, एक ही, तो उनको जेल होने में आसानी थी। जो बात आपने कही कि सीनियर की इज्जत, बिल्कुल आप कप्तान तो मैं समझता हूँ कि अपने डिसीजन की वजह से बड़ा कप्तान बनता है। आप अगर आप देखें तो गंगोली को धोनी ने बाहर, वो मतलब वो थे, कुछ सोच नहीं सकता था, लेकिन वो क्रिकेट अपने डिसीजन की वजह से। तो आप क्या समझते हैं कि जो वाइस कैप्टन का शोभा है, हम डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखते हैं कि कुछ नहीं बाहर से कप्तानी हो रही होती, कोच मैनेजर चीख रहे होते हैं, वहीं से इसका लैक करता है और फिर वाइस कैप्टन हमें नजर नहीं आता पूरी तरीके से। वो एम आर करना पड़ता है ना उसको, आपका जो एयर इन द वेटिंग है उसको आपने सही आइडेंटिफाई करना है। ये नहीं हो सकता कि आप एक किसी को भी वाइस कैप्टन लगा दें। आपने ये देखना है कि इसको कप्तान बनाया तो क्या इसका टेम्परमेंट होगा या नहीं। कई पाकिस्तान के वाइस कैप्टन रहे जो कि नंबर टू अच्छे थे, जैसी लीडरशिप मिली भाग गए, क्योंकि ये भागने से मुराद ये कि कलैप्स डिलीवर नहीं कर पाए। तो ये एक इसका अलग एक टेम्पो और टेम्परमेंट है कप्तानी का। और ये थिंक टैंक को पहले उसको आइडेंटिफाई करके, जैसे केन विलियमसन की बात करें को एक सिस्टम के थ्रू, इसमें हम कल लंबी डिटेल आपसे गप लगाएंगे। लेकिन एक सवाल मैं रमेश से पूछना चाहूंगा कि आप माशाल्लाह लेजेंड हैं, आपने क्रिकेट को एक अपनी उम्र का एक हिस्सा दिया है, मुझे बताइए कि ये जब पैसा कितनी अहमियत रखता है, जब पैसा हमारे प्लेयर्स के पास आ जाता है उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, ऐसा क्यों? यानी कि ये तो वही बात हो गई कि यार पैसा आ रहा है, हमें मेहनत की क्या जरूरत है, ये क्या वजह है? पैसा तो आपने भी कमाया, बल्कि मैंने आपकी वीडियो भी देखी, आप यू डॉलर्स बांट रहे थे, वो क्या था? ये कौन सी वीडियो थी वैसे? ये कौन सी वीडियो एग्जैक्टली? ये इनके पास आई है, कोई स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आई है कोई, आई थिंक स्टेट बैंक से। हो सकता है एआई का जमाना है, किसी ने धोखा दिया हो मुझे। ये बताइए पैसा जब आता है परफॉर्मेंस क्यों खराब होती है? नहीं ऐसा नहीं है, आई थिंक ये देखें ये डिजर्व करते हैं। आजकल के दौर में पैसा है तो पैसा है, और जब ये
अच्छी खुराक खाते हैं, यू नो, अच्छी गाड़ी में जाते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, तो खुशी होती है, इसलिए कि मेहनत की वजह से पैसा मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि खाम खा इनको पैसा मिल जाता है। पैसे से याद आया मुझे यहाँ पर, महमूद, मेरा आपसे एक सवाल है। मेरे मैं हमतन गोश हूँ। मेरे दिमाग में इस वक्त दिमाग है, हाँ, मेरे दिमाग में इस वक्त कोई 40 से 50 करोड़ रुपए, उसे बैंक में कैसे ट्रांसफर किया? महमूद को दे दे, ये ले जाएगा। महमूद, पहले तो आपने ऑन एयर कह दिया है, अब आप खैर मनाए, नीचे गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, इनकम टैक्स सर्कल की 40। अच्छा, वैसे मैं एक और बात सोच रही हूँ, कामरान खान की तरफ हम जाते हैं, उन्हीं से एक मैं कमेंट ले, काफी देर से मैं सोच रही हूँ और मैं इनका कमेंट लेना चाह रही हूँ। एक तो आप जिसके भी शो में जाते हैं उसको हाईजैक कर लेते हैं, आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया, यू आर नॉट सपोज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। नौकरी खाने में मास्टर है ये। ओके बाबा, ओके सॉरी। अच्छा, मेरा वैसे एक सवाल है मीरा से, मैं फिर भूल जाऊंगा। मीरा, अगर हम पाकिस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में देखें तो जितनी अदाकाराएं आपसे जेलस रही हैं, मेरे ख्याल किसी से भी नहीं रही होंगी, इसके पीछे क्या राज है? अब देखिए ना कि सब लोग अपनी जिंदगी में मगन है, लेकिन आप मुझसे सवाल करने के लिए एड़ियां उठा रहे थे। लेकिन मैं एक सवाल महमूद साहब आपसे करूंगा। कुछ तो है इस मीरा में कि महमूद भी शुदाई निकला। महमूद, मेरा भी सवाल है, आप पानी में डुबकी लगा के कितनी देर तक सांस बंद कर सकते हैं? चेक कर लेते हैं अभी। ऐसे महमूद भाई, हम तो समझते थे आप क्रिकेट पे नजर रखते हैं, आपको तो एक्ट्रेस का भी सब पता है। नहीं, नहीं, वो तो ये तो आप बड़े छुपे रुस्तम निकले। देखिए, जर्नलिस्ट को कहा जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ वन, तो वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड तो होना चाहिए। तो मास्टर ऑफ क्रिकेट के, मगर इनके दाद देनी पड़ेगी, और कॉन्स्टेंटली उनकी निगाहें इनकी टांगों में है। मुझे जिस तरीके से वो मीरा ने कभी एड़ी पे उनकी ऑब्जर्वेशन है, कभी ये देखना है, कल से जी सीट बदले उधर रखें। और दूसरा खतरा ये हो गया है कि बेगम ने इजाजत दी थी यहाँ तक। अपने पॉलिटिकल शोज करते हैं, करंट अफेयर के लिहाज से क्रिकेट पे क्यों नहीं शो करते? आपकी दुनिया सुनती है आपकी बातों को, बड़ी गहरी नजर आप वैसे रखते हैं, तो क्रिकेट पे भी आप शोज किया करें। आपको पता है कि 2-3 मुल्क मिलकर क्या करने जा रहे हैं? यही वजह है कि आपका ध्यान सारा क्रिकेट की तरफ है, लेकिन काबी का ध्यान क्रिकेट की तरफ नहीं, किसी और चीज की तरफ है। किस तरफ है? किस तरफ है आपका ध्यान? सीक्रेट दे दिया, हिंट दे दिया है, पहचानो। मेरा ध्यान सारा मुल्क की सियासत और बैरूनी मुल्क की जो सियासत है उस पे है, और आपको आने वाले दिनों में इतनी तब्दीली नजर आएगी, क्योंकि पाकिस्तान को एक लीडर मिल चुका है आखिरकार, जिस लीडर की तलाश थी वो मर्द मुजाहिद मिल चुका है। अब देखिएगा पाकिस्तान की मईशत कहाँ जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम देखेंगे मईशत की आप बात करें। मीरा जी का कमेंट लेना चाहेंगे, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फिर कुछ एक्ट्रेसेस ने बिजली के बिलों को लेके एक रील भी बनाई, आप हमें उसमें नजर नहीं आई, क्या वजह है? ऑफ कोर्स, मैंने वो रील मेरी नजरों के सामने से रनिंग करते हुए गुजरी थी। नहीं तो आप महंगाई से मुतासिर नहीं है? कहानी कुछ यूं है कि कितनी भी गर्मी हो जाए ही ना जी, मैं एसी नहीं लगाती। क्या? Why? हाँ, मैं एसी नहीं लगाती क्योंकि मैंने अपने घर में एसी लगाया ही नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि बिल बहुत आ गया था और मेरा जो मीटर है वो कट गया था। मीटर कट गया था मेरा। अच्छा, ओह, आपका मीटर, आपने बिल नहीं दिया, आपका मीटर कट गया। हाँ, मेरा मीटर कट गया था जी। अच्छा मीरा जी, आप पंच का है, पंच किधर है इस बात पे? मीटर कट गया अगर, था फिर? अगर अंधे, अगर तुम्हें नहीं पता हो ये क्या बात, मैं नहीं खेल रहा, ये क्या बात है? एक सेकंड, मीरा जी, नो, जिसने मुझसे सवाल राइजिंग की है, जी मैं राइजिंग, अगर इस अंधे को नजर नहीं आता तो हफीज काफी देर से खिसियानी हंसी हंस रहा था, मींस के वो दूर से मेरी बातों में पंच ढूंढ लेता है। मीरा जी, मुझे यकीन है आपको मेरे को-होस्ट का नाम आता होगा। इफी, इफी, अगर बहुत पुराने जाने वाले ऐसे कहते हैं, बहुत पुराने जाने वाले लगते हैं मीरा जी के। लेकिन मैं एक बात कहूं कि चूंकि घर में लाइट नहीं होती, गोइंग गोइंग रहती है जी, तो मेरा कई दफा गर्मी में बहुत पीने पिलाने का दिल करता है। पीने पिलाने का दिल मतलब कोल्ड ड्रिंक्स? ओके, यू जेटी माइंड, कोल्ड ड्रिंक्स ओके। लेकिन यकीन करो कि मेरे फ्रिज में हर बॉटल पड़ी है, काली, सफेद, ऑरेंज,
पी ली, लेकिन दुख सिर्फ इस बात का है कि उनमें मैंने पानी भर के रख दिया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। वैसे सोशल एक्टिविटीज भी काफी हो चुकी हैं, काफी चीजें चैरिटी की भी कर रहे हैं उस वाले से। सोशल एक्टिविटीज बिल्कुल। हाँ तो हॉस्पिटल का काम कहाँ तक? वो भी आप उस वाले से शेयर करें। मैंने हॉस्पिटल शुरू किया था जी, लेकिन उसको बंद करना पड़ा क्योंकि मैंने प्लान किया था दिल का अस्पताल। अच्छा। और मुझे पता चला था कि जब दिल टूटता है तो दर्द होता है। लेकिन तुम यकीन करो बाबर, बाबर मेरा दिल 4 से 5 मर्तबा टूटा लेकिन मुझे खारिश तक नहीं हुई। तो मैंने वो काम बंद करवा दिया। ठीक। वैसे हमें पता, कामरान खान साहब श्रीलंका जाएंगे मैच देखने इंडिया पाकिस्तान का? देखिए जब आप आपके मुल्क यानी मुल्क पाकिस्तान से ही ये सारी चीजें मिल रही हो, यानी कि डॉलर आपका और पेट्रोल एक ही रेट पर यानी 300 से ऊपर मिल रहा हो, तो क्या जरूरत है श्रीलंका जाने की? वैसे डॉलर जितना भी हो जाए सॉक्स लेना मसला नहीं, आप इतने आए हैं सॉक्स भी नहीं आपने पहने जल्दी में। चौधरी इरफान जहीर डॉलर सॉक्स सस्ती है अभी भी, तो वो प्लीज नेक्स्ट टाइम आप आए तो। चौधरी इरफान जहीर फॉर योर काइंड इनफॉरमेशन, ये फैशन है। जिस चीज में फंस जाओ उसे फैशन का नाम दे रहा। हम तो सॉक्स देख ही नहीं पा रहे, मीरा की टांगे आ रही हैं बीच में। लेकिन मैं तुम्हारी सॉक्स देख पा रही हूँ। हम नहीं देख पा रहे खान साहब की टांगे। लेकिन महमूद मैं तुम्हारी सॉक्स देख पा रहा हूँ। आज महमूद ने बहुत ही पुरानी सॉक्स। सॉक्स पुरानी होती है, रोज खरीदता है। जितनी सैलरी तुम लेते हो उनकी ना एक्से की शायद ग्लासेस है, तो सब कुछ देख लिए। अभी मेरा ख्याल है ना इजाजत चाहते हैं। इजाजत से पहले एक सवाल पूछ सकते हैं कि कामरान साहब आपसे पूछना चाहूंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ही आया दूं। ये 92 का वर्ल्ड कप आपको याद है? ता छेड़ हम नशीर उड़ा दे बाजी, तूफान बरस जाएगा चश्मे तर से। ना पूछ। चले नहीं पूछते। हो गई नहीं पूछते हम। 92 के वर्ल्ड कप का एक शख्स मेरे सामने बैठा है, क्या बात। एक जाते जाते। मेरा ख्याल है आप सबका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना जी जी कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी। जरूर जरूर। यहाँ पर शाहीन की स्माइल बहुत प्यारी है। शाहीन है कौन? वैसे कौन है वो ग्रीन शर्ट में? पाकिस्तान की खूबसूरत स्माइल के साथ आप सबसे इजाजत चाहते हैं जी। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।